आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत नाम। मशहूर अभिनेता इरफान खान के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में गुरुवार को मुंबई की एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में निधन हो गया है। उन्हें बुधवार को तबीयत बिगड़ जाने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनकी मृत्यु बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े सदमा है। तो आइए आज हम उन्हें याद करते हुए उनके जीवन से जुड़े कुछ बातों को जान लेते हैं। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। वो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राज कपूर के बेटे हैं और उनकी माता का नाम है कृष्णा कपूर। उनकी दो भाई हैं रणधीर कपूर और राजीव कपूर और दो बहनें रितु नंदा और रीमा जैन। ऋषि कपूर अपने बचपन की पढ़ाई अपने भाइयों के साथ मुंबई की चैंपियन स्कूल में किए हैं और उसके बाद आगे की पढ़ाई अजमेर की मियो कॉलेज में की है। फिल्मी परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा फिल्मों में अभिनय करने का रुचि रखते थे। उसने साल 1970 में 18 साल की उम्र में राज कपूर का फिल्म मेरा नाम जोकर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उसने राज कपूर की बचपन के किरदार निभाए थे, लेकिन इससे पहले भी वो 1955 में श्री 420 की पॉपुलर गाना प्यार हुआ इकरार हुआ में बच्चे के रूप में अभिनय किया था। मेरा नाम जोकर में बेहतरीन अभिनय के लिए ऋषि कपूर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1973 में राज कपूर की फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर पहली बार किसी फिल्म की लीड रोल में नजर आए थे। ऐसा माना जाता है कि राज कपूर ने अपने बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च कराने के लिए बॉबी बनाई थी, लेकिन ऋषि कपूर का कहना था कि मेरा नाम जोकर पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद राज कपूर की आर्थिक हालात बिगड़ चुके थे, जिसकी वजह से एक टॉप स्टार को फिल्म के लिए साइन कराना उनकी बस में नहीं थे। बॉबी फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके बाद ऋषि कपूर का जिंदगी बदल गया। खासतौर पर यंग जनरेशन इस जोड़ी का दीवाने थे। इसके बाद उन दोनों ने एक साथ कई सारे फिल्म किए हैं और ज्यादातर फिल्म हिट हुआ था। उनके दो बच्चों के बारे में आपको तो पता ही होगा, रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर। रणबीर कपूर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता है और रिधिमा कपूर की शादी बिजनेसमैन भारत साइनी से हुई है और वो एक प्रोफेशनल मॉडल है। फिल्मी करियर के साथ साथ उनके जीवन काफी सारे कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हैं। कुछ साल पहले ऋषि कपूर ने ट्विटर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ट्वीट करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो गांधी वंश की सार्वजनिक संपत्ति है, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था और कांग्रेस पार्टी का समर्थकों ने इसकी विरोध किया और पब्लिक टॉयलेट का नाम ऋषि कपूर रख दिया था। खाने पीने के मामले में ऋषि कपूर काफी शौकीन था। जखनी पुलाव, खट्टी दाल, भुनी हुई मछली, पाया और चाइनीज डिश उसे काफी पसंद था। और ड्रिंकिंग के मामले में उनकी पसंदीदा ब्रांड है ब्लैक लेवल व्हिस्की। ऋषि कपूर ने करीब 90 से ज्यादा रोमांटिक फिल्मों में लीड रोल में काम किया था। रोमांटिक नायक के रूप में उनका आखिरी फिल्म है कारोबार, जो 1998 में रिलीज हुई थी। सिर्फ अभिनेता नहीं, साल 1999 में बॉलीवुड फिल्म आ अब लौट चले फिल्म की डायरेक्टर भी थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में काफी हिट हुआ था। बॉलीवुड के साथ साथ उसने डोंट स्टॉप ड्रीमिंग नाम का एक अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है, जो आदित्य राज कपूर की डायरेक्शन में बनी थी। ऋषि कपूर काफी शौकीन आदमी थे। उनकी काफी सारे शौक में से एक है स्वेटर जमा करना। अमेरिका में करीब एक साल तक कैंसर की इलाज कराने के बाद पिछले साल दिसंबर में वो भारत लौटे थे। उनका बोन मैरो कैंसर था, जो बहुत ही रेयर और खतरनाक है और इसका एकमात्र इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना। फिल्मों में काम करने के अलावा उनके कई सारे साइड बिजनेस भी है। 2020 के मुताबिक उनके पास करीब 250 करोड़ की संपत्ति है, जो परिवार के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस 2020 साल बॉलीवुड के साथ साथ पूरे दुनिया के लिए काफी पनौती भरा साल है। हम सिर्फ 24 घंटे के अंदर दो बड़े बड़े सुपरस्टार लेजेंड को खो चुके हैं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेशन, अनन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।
हूँ।